हेलो, कौन हो आप? सर, इस नंबर का कोई ऐसा पता नहीं चल रहा है, ट्रैकिंग पर डाला है। हेलो, पर सर मुझे तो ये प्रैंक कॉल या कोई होक्स लग रहा है। जल्द से जल्द उस टावर का पता लगाओ जहां से ये कॉल्स किए जा रहे हैं। हेलो, मैं एसपी आदिल खान बोल रहा हूँ। आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो 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 उस सहमी आवाज ने मेरे अंदर एक शोर पैदा कर दिया था। यह मेरे करियर का एक ऐसा अजीब केस था जिसने मेरी नींदें उड़ा दी थी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद, ये एक ऐसी लॉ है जो जिंदगी के दिए को रोशन करती है, लेकिन अगर इंसान दुखों से घिर जाए, तकलीफ थमने का नाम ना ले, तो बेबसी के उस आलम में अक्सर उम्मीद की लौ डगमगाने लगती है। आज का ये केस एक ऐसे मासूम की दास्तां है जिसका जिंदगी ने हर मोड़ पर कड़ा इम्तिहान लिया। हालात ने उसे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके पास ना तो जीने की आस थी और ना ही मरने का हौसला। बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ये केस पुलिस के सामने आया था। वक्त था लॉकडाउन का और एक पेशेवर गिरोह अपनी साजिश को अंजाम देने निकल पड़ा था। पैसा किधर है? बोल नहीं तो ठोक दूंगा। चल जल्दी बता। अरे आप लोग उनको ज्यादा शान पट्टी नहीं, जहां पे खड़ा ना वहीं पे खड़ा रहे, वरना कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप तुम तेरी तो साले हाँ बहुत ज्यादा शाना बन रहा है तू, बहुत ज्यादा हीरोगिरी चढ़ रही तेरे को। अभी उठा ना तो मैंने मेरी गोली बोली की, समझा तू? ए, तू क्या उधर माता मान रहा है, इसको संभाल। चल अबे, तूने उसे गोली क्यों मार दी? अरे इसका नाम ना फट्टू होना मांगता था। और तू इधर रोकड़ा, जल्दी बोल, मैं तो इधर ही ठोकूंगा। मैं बोलता हूं मुझे मारना मत। दीदी वो विष्णु भगवान के गजेंद्र हाथी की कहानी सुनना चाहती है। कितनी बार सुनोगी वो कहानी, बोर नहीं हुई? एक बार गजेंद्र नाम का एक हाथी अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे पानी पी रहा था। तभी वहाँ एक मगरमच्छ आया और उसने गजेंद्र का पैर दबोच लिया। तभी अचानक सुरेंद्र, चुपचाप से मेरा आधा हिस्सा दे दे वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। वो तो मैं पहले ही भूल चुका हूँ नरेंद्र। और तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन प्रमिला के पिता ने दिया, मेरे ससुर ने। किस हक से ऐसा मांग रहा तू? देख, आगे से मेरी जमीन के बारे में सोचना ही मत। तो मैं वरना क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं क्या करूँगा? अरे जमीन को छोड़िए, क्या कर रहे हैं बड़े भाई आपके? अरे शुक्र मनाइए कि सिर्फ हाथ उठाया, वरना जान से मार देता। मैं यहाँ कर्जे में डूबा हूँ और तुम लोग ऐश कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। तय कर लीजिए कि जान पैरी है या जायदाद। चल 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 चल, खड़ा क्या, तेरा काम हो गया ना, चलना बैठना अंदर। चल जल्दी कर, चल चल चल। हेलो पुलिस, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाथों को कितनी देर धोना चाहिए और घर से बाहर निकलते वक्त क्या करना जरूरी है? वेरी गुड। अब हम आगे करेंगे पुशअप्स। 1 2 3
जी। हेलो, हाँ ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। हाँ ओके सर। सर चार लोग थे, चारों ने मुंह ढका हुआ था। पहले उन लोगों ने बैंक के कैशियर प्रमोद चौधरी को गोली मारी। सिक्योरिटी गार्ड बोला ने उनके एक साथी को मार गिराया। कुछ पता चला कौन है? सर प्रसाद नाम है इसका, हिस्ट्री शीटर है। चोरी, किडनैपिंग और हाफ मर्डर के कई केसेस हैं इसके खिलाफ। सबसे पहली बात यह है कि लुटेरे सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ क्यों लेकर जाए। चले जल्दी कर चल चल। और दूसरी बात, सिक्योरिटी गार्ड अगर गेट पे था तो उसने चार लोगों को एक साथ अंदर कैसे आने दिया? और अगर वो जबरदस्ती घुसे तो गार्ड ने रोका क्यों नहीं? उस वक्त हंगामा क्यों नहीं हुआ? सर ऑनेस्टली मुझे ये सब कुछ नहीं पता। शायद उसी वक्त वो वॉशरूम गया होगा। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ कि कैसे भी करके ये चोरों को पकड़ लो, मेरी नौकरी जाएगी। लूट कितने की हुई? 22 करोड़ 30 लाख। इतनी अमाउंट ब्रांच में थी? हाँ सर, ये करंट कोविड सिचुएशन की वजह से कल ही सेंट्रल ब्रांच से 22 करोड़ ट्रांसफर हुए थे। तो ये बात आपके पूरे स्टाफ को मालूम होगी? हाँ। पॉसिबिलिटी आपके स्टाफ में से कुछ शामिल हो? नहीं सर, कोई नहीं, बिल्कुल। मुझे पूरे स्टाफ की डिटेल चाहिए, इवन के जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी भी। और सबसे पहले गार्ड भोला की डिटेल दीजिए। ओके सर। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्ता पर नाकाबंदी करो, टोल नाका पर अलर्ट करो, एक एक गाड़ी की तलाशी लो। बिना तलाशी के एक भी गाड़ी शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके सर। क्या हुआ, क्या बोल रहे थे नरेंद्र भाई साहब? क्या बोलेगा, धमकी देकर गया है। तेरे बाप की जमीन संभालना मुश्किल हो गया मेरे लिए। अब आप संभाल रहे हैं जमीन? दिन दिन भर मैं काम करती हूँ, पैसे कमा कर मैं लाती हूँ, आप करते क्या है सिवाय शराब पीकर तमाशा करने के? सारी कमाई आपके अय्याशी में तोड़ जाती। देख दो। नमस्ते भाभी जी। अरे आप किधर को चली? मैं तो आपसे मिलने आया। वो एक तगड़ी पार्टी हाथ लगी है, मैं जमीन दिखाया उसको, बहुत पसंद आया। एक बार आप हाँ बोल दो तो सौदा पक्का। आप पमला के हाई समझिए मोहन बाबू, आप पार्टी को बुला लीजिए। बबीता, कविता अंदर चलो। मोहन जी आप जाइए यहां से, मैं मेरे पिता की जमीन नहीं बेचूंगी। भोला सिंह ने सिर्फ 3 महीने पहले इस बैंक में ज्वाइन किया था। जी हाँ सर, एक्चुअली जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हमारा टाई अप है और भोला वहीं से आया था। एजेंसी से भोला के घर का एड्रेस लो और तुरंत वहाँ जाओ। इस सफाई से इस लूट को अंजाम दिया गया है, लुटेरों ने कई बार यहाँ रैकी की होगी। सीसीटीवी फुटेज कब मिलेगा? सर वो सीसीटीवी के डीवीआर भी लेके भाग गए सर। क्या बोले, इतने मुश्किल से पार्टी ढूंढ के लाए वो और तू ऐसे बात करी मोहन बाबू के सामने? हो गया। नहीं नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। सर टोटल 14 लोगों का स्टाफ है हमारा, बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आज 5 ही लोग हैं। सबके स्टेटमेंट लो, इवन के जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके भी। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई घर नहीं जाएगा। हाँ रंजीत। यहाँ भोला के घर पे तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बीवी 1 हफ्ते पहले गांव चली गई। एजेंसी से उसके गांव का एड्रेस लो और उनसे कांटेक्ट करो। ये भोला लुटेरों के साथ क्यों गया? कहीं उनके प्लान में शामिल तो नहीं था? और ये अगवा होना उनकी प्लानिंग का हिस्सा? लेकिन अगर ये उनके साथ मिला हुआ था तो इसने प्रसाद को गोली क्यों मारी? सर पेट्रोलिंग टीम ने खबर भेजी है, जो वैन रॉबरी में इस्तेमाल हुई थी वैसे ही वैन राधानगर में स्पॉट हुई है। ए भाई रुक 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 रुक, थाम गाड़ी थाम। ए ए ए पकड़ ले, ए पकड़ ले, ए चल तू चल 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 चल। जय हिंद सर। सर वैसे एक वैन यहाँ पे आई थी, हमने रुकने की कोशिश की लेकिन वो यू टर्न मार के भाग गया। मेरे कहे हटवा सर, गाड़ी लगा के सब मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? मेरा बटुआ घर पे ले गया था सब, मुझे नहीं पता मेरा पीछा कर रहे हो। डालो इसको गाड़ी में। डालो सब। सब मेरा गाड़ी सर।
दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? माँ, माँ! पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक बैंक रॉबरी केस से जुड़े हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम नितेश बताया जा रहा है। हालांकि लूट की रकम अब तक बरामद नहीं की गई है और ना ही लूट में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस वाले, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस, वो राक्षस जिसे भगवान भी डरता है। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आपने जिस शख्स को गिरफ्तार किया, क्या उसने कुछ बताया? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम डिटेल शेयर नहीं कर सकते। लेकिन कहा जा रहा है कि आपने इस केस को रफा दफा करने के लिए एक पुराने हिस्ट्री शीटर का यूज किया है। ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि इसमें कितनी सच्चाई है। उतनी कितनी के फेक न्यूज में होती। हेलो, 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 कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अभी आपने कॉल किया था। हेलो, मैं एसपी आदिल खान बोल रहा हूँ। आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो, बच्चा कौन हो? ए आदिल! अच्छा, एक काम करो, आप पहले साइड में हो, फिर बात करते हैं। मरना चाहते? बेटा, वो बच्ची कहाँ है? ये लड़की मरने का क्या तेरे को? अरे, अगर मैं नहीं बचाता तो गाड़ी के नीचे आ गई होती ना। अच्छा बोलो, क्या परेशानी है? देखो, मैं एक पुलिस वाला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सर, सर, जेनी सिक्योरिटीज के ओनर से बात की। कोविड की वजह से उनका ऑफिस बंद है। उन्होंने कहा है कि कल तक गार्ड बोला के गांव का एड्रेस भेज देंगे। बोला के कॉलेज कॉटन क्लब और बैंक के बाकी इम्प्लॉयज के भी और मैनेजर लास्ट के भी। लेकिन सर, नितेश का इस तरह से पकड़े जाना, ना तो उसका कोई साथी मिला है और ना ही पैसे मिले, बात को समझ में नहीं आ रही। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया जो बात उछाल रहा है वही सच है? हेलो, लड़की कौन है? बार बार कॉल कर रही है लेकिन बात नहीं कर रहे। राजी, जिस नंबर से भी कॉल आया इसकी लोकेशन पता करो। ओके सर। रंजीत, नितेश को इस तरह पकड़े जाना मैं इज्जत फक नहीं हो सकता। जिस सफाई से रॉबरी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड भोला का किडनैप होना और इतनी जल्दी पैसे शिफ्ट होना, प्लानिंग तगड़ी की गई और इस प्लानिंग की पोल अब नितेश ही खोलेगा। साहब, मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, मेरे ये बैंक की चोरी हो रही से कोई लेने देना नहीं है। मैं तो सारे गलत धंधे छोड़ चुका हूँ और जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो वैन तेरे पास कहाँ से आई? वो मेरी अपनी गाड़ी है साहब, अभी सेम कलर की सेम मॉडल की हजारों कारें हो सकती है। ऐसे नहीं मानेगा, गोली खा के मानेगा। साहब, आपको यकीन नहीं हो रहा साहब, तो वो बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। ये नितेश पुराना चावल है, इसकी बातों का भरोसा नहीं कर सकते। ये सीसीटीवी फुटेज की बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कर रहा है क्योंकि जानता है फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सर, कम सर, जिस नंबर की आपने डिटेल्स निकालने के लिए कहा था वो नंबर पहले कुंदन नगर में एक्टिव था, लेकिन सर वो अभी दोबारा जीवन नगर में एक्टिव हुआ है। तो मतलब लड़की किसी व्हीकल से ट्रेवल कर रही है? खाट क्यों रही? सर, हो सकता है कोई प्रैंक कॉल हो। हे रंजी, इस लड़की ने मेरे सामने सुसाइड करने की कोशिश की।
और मैंने इसका चेहरा देखा, इसकी आंखों में जो खौफ है, जो डर है, या तो ये लड़की बोल नहीं सकती या फिर शायद बहुत डरी हुई। आदिल खान का इंट्यूशन कह रहा था कि बबीता को उनकी जरूरत थी, वो बबीता की आंखों की बेबसी समझ रहे थे। आदिल खान को एक वक्त पर दो मोर्चे संभालने थे और बैंक रॉबरी केस में अब तक पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पाई थी। लॉकडाउन का समय वैसे भी बहुत मुश्किल रहा था और ऐसे हालात में इतनी बड़ी रॉबरी की खबर लोगों के दिलों में दहशत फैला सकती थी। ये लड़की आदिल खान को आखिर क्या बताना चाहती थी? क्या वो बैंक रॉबरी के बारे में कुछ जानती थी या फिर बात कुछ और थी? सब बैंक कैशियर प्रमोद चौधरी के बारे में पता किया, अगले साल रिटायर होने वाले थे, उनकी पूरी फैमिली गुजरात में रहती है, बॉडी लेने के लिए कल तक आ जाएंगे। और बैंक के बाकी एम्प्लॉयज? सबके रिकॉर्ड्स क्लीन है सर, शकवाली कोई बार नजर नहीं आ रही है, सबके फोन रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। हो सकता है कोई और नंबर इस्तेमाल हुआ, नम डाटा निकलो। सर सर, जब हम नितेश की वैन का पीछा कर रहे थे तब उस एरिया में एक पिकअप ट्रक देखा गया था। नितेश लूट के 40 मिनट बाद पकड़ा गया, इतना वक्त काफी है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। रंजीत इस ट्रक की डिटेल निकलवा। राइट सर। सर कौन? सर उस लड़की का नंबर तो बंद आ रहा है, लेकिन सर उसकी लास्ट लोकेशन जीवन नगर की थी। नाम पता चला? नहीं सर, नाम तो नहीं पता चला, लेकिन सर ये नंबर किसी रवि कश्यप के नाम से है और सर एड्रेस बेगूसराय बिहार का है। सर एक और बात, ये नंबर कल ही एक्टिवेट हुआ है और इससे आपके अलावा और किसी को कॉल भी नहीं किया गया। मुझसे बात करने के लिए सिम खरीदोगे? तू मेरी आवाज है, तू ना होती तो मेरा क्या होता, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना। दीदी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चा आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ कहां जा रहे हो? देखो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप हम पे भरोसा कर सकते हो, इसलिए तो मैंने फोन किया। बोलो नाम क्या है? अच्छा ये बताओ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? ओके ओके रोमा रोमा। जिस लोकेशन पे ये नंबर अभी एक्टिव था और कुंदन नगर, दोनों पर ये फोटो दिखाओ, शायद कोई इसे पहचान ले। शायद ये लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अरेंज इट। सर सर साहब 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 एक मिनट मैम, एक मिनट, पहले मास्क पहनिए। साहब मेरी भतीजी सुबह से गायब है, ये देखिए उसका फोटो, वो बीता नाम है इसका, बोल नहीं सकती सर। ये क्या हुआ मैडम, अभी बस स्टॉप नहीं पहुंचे हैं? 200 रुपए दे दो। चेक करो। हाँ सर। वो पिकअप ट्रक हमें मिल गया है, उसके अंदर गार्ड बोरा सिंह की लाश मिली है सर, लेकिन पैसे नहीं मिले। आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फोटो खंगाल, हो सकता है पैसे वहां से किसी और गाड़ी में ट्रांसफर किए गए। रंजीत मेक श्योर ये लोग शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। ओके सर। सर उस लड़की का नंबर दोबारा ऑन हुआ है।
संजना जी हैं, साइन लैंग्वेज अच्छी तरह जानती हैं। वेलकम संजना जी, एंड थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने के लिए। संजना जी, एक्चुअली ये बच्ची है, ये मुझे कॉल कर रही है, लेकिन ये क्या कह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब या तो ये बहुत डरी हुई है, या आई डाउट कि शायद ये बोल नहीं सकती। ओके, तो आई होप कि इससे कम्युनिकेट करने में आप हमारी कुछ मदद कर सकें। श्योर सर, आई विल ट्राई। मैं वीडियो कॉल ट्राई करता हूँ। बच्चा, अच्छा वो आपने कॉल उठा लिया। ये देखो मेरे साथ कौन है। देखो बेटा, ये संजना दीदी है, आप इनसे बात करो, ये आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटा बताओ। सर शायद ये बच्ची साइन लैंग्वेज नहीं जानती है, इसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। सर प्लीज कैन आई रिमूव माय मास्क, मुझे इसको कम्युनिकेट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। हाँ बेटा बताइए। अच्छा ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? आपको पता है ये सर बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? किसने मारा आपकी माँ को? उनकी डेड बॉडी कहाँ है? जला दिया? कब हुआ ये? 3 दिन पहले? 3 हफ्ते पहले? 3 महीने पहले? 3 साल पहले? 3 साल पहले अगर इस बच्ची की माँ का कत्ल हुआ था तो ये अभी बताने की कोशिश क्यों कर रही है? सर वो 16 साल की एक लड़की की मिसिंग अपडेट फाइल हुई है सर, उसका नाम बबीता है और वो बोल सुन नहीं सकती, और उसका डिस्क्रिप्शन उस लड़की से मैच होता है जिसका आपको कॉल आया था। हो ना हो, ये बच्ची वही बबीता है। मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की? प्रेम जी शिंदे, बबीता की मौसी है सर। तुरंत यहाँ बोलो सर। अनन्या सर, इस कॉल की लास्ट लोकेशन पता करो, और जहाँ से कॉल आई है ये ध्यान से देखो, बच्ची जहाँ से बात कर रही है पीछे स्वैग प्लस साइकिल का होर्डिंग लगा हुआ, और इम्पोर्टेंट उसके पीछे ये सेल टावर है, तो उस एरिया में जहाँ भी ये बोर्ड लगा हुआ है सेल टावर है वहाँ पर्टिकुलर इसके बारे में पता करो, शायद कोई इस बच्ची को पहचानता है। साहब बबीता अपने बाबा के साथ रहती थी, मैं कई दिनों से उससे मिलना चाहती थी लेकिन उसके बाबा फोन ही नहीं उठा रहे थे, आज जब घर जाके देखा तो वहां ताला लगा हुआ था। तो सिर्फ ताला लगा देखकर आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि बबीता किसी मुसीबत में होगी? साहब वो रिमझिम, अगर आप सच में चाहती हैं कि हम बबीता की मदद करें तो कुछ मत छुपाइए। बबीता ने हमें बताया कि उसकी माँ यानी कि आपकी बहन का कत्ल हुआ, आप क्या जानती है इस बारे में? साहब बबीता का बाबा तो एक नंबर का बेवड़ा था, मेरी बहन मर गई और उसने मुझे बताया तक नहीं, चुपचाप जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जिससे वो पुलिस के पछड़े से बच सके। वो तो बबीता की जिद थी इसलिए मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गई शिकायत लिखवाने के लिए। साहब ये मेरी भांजी है बबीता, इसका कहना है कि इसकी आई की हत्या हुई है, ये बोल नहीं सकती इसलिए इसकी कोई बात नहीं मान रहा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। साहब जब दक्षक की भक्षक बन जाए तो हम जैसे गरीब लोग क्या कर सकते हैं? ये देख पूरा वीडियो बना हुआ है समझी, अगर आवाज निकाली ना तो देखना, और वैसे भी ये तो कुछ बोल भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर तूने मुंह खोला ना तो इससे धंधा करवाने के इल्जाम में तुझे अंदर कर दूंगा। उस दिन से ऐसा ही राकेश बबीता के साथ। जैसे हमें बबीता मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप जा सकते हैं। अब वो सारे स्पॉट मार्क करो, अपडेट देते रहो। ओके सर, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। एक काम करो,
इस एमयूबी की डिटेल्स निकलवाओ, वो सारी स्पॉट मार्क करो जहाँ जहाँ ये अच्छे दिखाई दे रही है। जी सर। जाओ। यस सर। हाँ रंजीत, क्या अपडेट है? सर, 3 सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं जिसमें वो पिकअप ट्रक ट्रेवल करते हुए कैप्चर हुआ है। लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि तीनों सीसीटीवी फुटेजेस में उस पिकअप ट्रक के पीछे एक सिल्वर एमयूवी दिख रही है। आई थिंक सर ये दोनों गाड़ी इस केस से कनेक्टेड है। इस एमयूवी का पता लगाओ एंड कीप मी अपडेटेड। ओके सर। जी संजना जी, उस मासूम ने इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा, उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। कॉल करता हूँ सर। जी सर। बबीता। बेटा हमें सब पता चल गया, आपने इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है। बेटा आपकी मौसी रिमझिम वो आई थी यहाँ पर, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया, ऐसा ही राकेश ने आपके साथ क्या किया वो सब कुछ। डरो मत, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही राकेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ये वादा है मेरा। और हम आपकी आई के कातिलों को भी ढूंढेंगे। बहुत सारे लोग थे। क्या मतलब अच्छा? मैं सब इंस्पेक्टर राकेश को सजा दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आईएएस ऑफिसर हरस रेड्डी। सर रेड्डी तो काफी नामी शख्स है। सॉरी बच्चा, सॉरी। आपको इतना कुछ सर? वो बिल्डिंग लोकेट हो गई है जहां से बबीता हमें कॉल कर रही थी। सर आरएनएस कॉलोनी में उसका नंबर एक्टिवेट है अभी। बबीता के कॉल्स के पीछे की मंशा अब भी पुलिस के लिए साफ नहीं हो रही थी और इंस्पेक्टर राकेश का भी कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम उस गाड़ी का पता लगाने की कोशिश में थी जिसका इस्तेमाल बैंक रॉबरी में हुआ था, और तभी पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची जहां से बबीता ने आखिरी बार कॉल किया। सब जगह चेक करो। फोन मिला है, हो सकता है बबीता का हो। शायद ये मासूम बच्ची इतनी बार धोखा खा चुकी है कि उसका हमारे सिस्टम से भरोसा ही उठ गया होगा। और हमें इसका भरोसा जीतना है और किसी भी सूरत में इस बच्ची को ढूंढना। सर हमें बबीता के फादर सुरेंद्र से मिलना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ठीक, तुम सुरेंद्र से मिलो, मैं जरा इस रेड्डी से मिलता हूँ। सुरेंद्र का मर्डर हो गया? जी हाँ सर, सुरेंद्र को उसके घर में चाकू घोप के मारा गया है। हो सकता है ऐसा ही राकेश अपने खिलाफ सबूत मिटाना चाहता और उसने सुरेंद्र को मारा। ऐसा ही राकेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करो। इंस्पेक्टर राकेश का गायब होना, सुरेंद्र का मारा जाना इस केस को उलझा रहा था। पुलिस एक ऐसे सुराग के लिए डेस्परेट थी जो इस केस को एक सही दिशा दे सके। अपनी औकात में रहे एसपी, सिर्फ एक फोन घुमाऊंगा, ये जितनी अकड़ है ना तेरी सारी की सारी धरी रह जाएगी। पड़ा मिलेगा किसी गांव खेड़े में, फिर आराम से लिखना भैंसे चोरी होने की शिकायत। करो फोन। करिए फोन।
मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद आपकी पोस्टिंग सीधे जेल में होगी, ये मेरा वादा है। बबीता की खामोशी अब वो शोर मचाएगी कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। अरंजीत सर, उस गाड़ी का पता चल गया है, वो यहाँ ही घर के बाहर स्पॉट हुई है, और सर यहाँ पे एक आदमी भी दिख रहा है, मैं उसका फोटो सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, संजीत इसका नाम कैलाश है, बहुत बड़ा कबूतरबाज है, ट्रैफिकिंग करता है, लेकिन ये राजस्थान में एक्टिव था, महाराष्ट्र में क्या कर रहा है, और इसका बैंक रॉबरी से क्या कनेक्शन है? संजीत नजर रखो इस पे, लेकिन दूर से, जोश में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करना, मैं बैकअप भेज रहा हूँ, नजर रखो। मुझे बैकअप टीम की अर्जेंट जरूरत है सर, जैसे ही फ्री होते हैं प्लीज मेरी बात कराइए। थैंक यू। हाँ नन्हे सर, सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर सुरेंद्र को आज दोपहर एक नंबर से कॉल आया था, वो नंबर 3 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है, और सर चौंकाने वाली बात ये है कि बबीता की मौसी रिमझिम, उसे भी इस नंबर से कॉल आया था। किसका नंबर है? सर अभी तक पता नहीं चला है। बबीता के गायब होने के बाद उसके फादर और उसकी मौसी रिमझिम दोनों को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। रिमझिम की कॉल डिटेल्स भी निकलो। सर एक बात और, ऐसा ही राकेश के लैंडलाइन नंबर पर भी इसी नंबर से कॉल किया गया था। कौन हो सकता है जो सुरेंद्र, राकेश और रिमझिम तीनों के टच में है? सुरेंद्र मारा गया तो क्या राकेश का अगला शिकार रिमझिम है? ऐसा ही राकेश का फोन सर्विलेंस पे डालो तुरंत। सर मुझे मदद चाहिए तुम्हारी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। आई नो सर, लॉकडाउन की वजह से ऑफिसर की शॉर्टेज है, पर सर ये कैलाश, सर कैलाश बहुत बड़ा क्रिमिनल है, राजस्थान का वांटेड है, और सर जिस गाड़ी में पैसे ट्रांसफर हुए थे पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इस कैलाश के पोजेशन में है। सर सर कोई हमें गुमराह कर रहा है, बबीता के टूटे हुए फोन से हमने ये वीडियो रिकवर किया है। ए बबीता देख इधर, अगर जल्दी से वापस नहीं आई ना तो इसका भी वही हाल कर दूंगी जो तेरा किया है मैंने। बबीता की बहन भी है, लेकिन उसकी मौसी रिमझिम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। सारी तैयारी हो गई है, चिड़िया को कल ही पार्सल करना। राकेश की लाश मिली है। राकेश की लाश? अभी तक हम यही मानते थे कि सुरेंद्र को राकेश ने मारा हो, लेकिन अब राकेश की लाश मिली, मतलब इन दोनों को किसी तीसरे ने मारा। इस खेल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं जो नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए, इसलिए एक एक करके राजदानों को खत्म किया जा रहा है। पता नहीं उनका अगला शिकार कौन होगा। हमें जल्दी बबीता और उसकी बहन का पता लगाना होगा, कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना हो। ठीक है अरंजीत, सर कहाँ हो? कैलाश अभी अंदर ही है सर। कितने लोग होंगे उसके साथ? एक आदमी स्पॉट हुआ है सर अभी तक। सॉरी ज़्यादा बैकअप नहीं भेज। नो प्रॉब्लम सर। बहन, लेकिन सर इस पे नाम तो बेनजीर लिखा है। पासपोर्ट जब्त करो सर। ये कबूतरबाज लंबी उड़ान भरने की तैयारी में है।
सर बबीता की बहन का नकली पासपोर्ट कैलाश के पास मिला है, तो क्या बबीता इस रॉबरी के बारे में जानती होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड हैं। नितेश के पकड़े जाने के बाद मुझे बबीता का कॉल आया था। हेलो, शायद बबीता इस रॉबरी के बारे में कुछ जानती हो, सकता है उसकी बहन ने कुछ बताया उसे। सर मौसी रिमझिम को ढूंढना शुरू करते हैं, अगर वो मिल गई तो बबीता की बहन का भी पता चल जाएगा। करेक्ट, मुझे डर है कि बबीता तक पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, जो भी करना है जल्दी करना होगा। सर बोलो। हाँ साहब, सब मेरा ही प्लान था, बैंक लूटने का प्लान मेरा ही था साहब। साहब मेरे को दुबई सेट होने का था, लेकिन लेकिन मेरे ऊपर 6 करोड़ का कर्जा था साहब बाकी गैंग वालों का, इसलिए मैंने बैंक लूटने का प्लान बनाया। तेरे इस प्लान में और कौन कौन शामिल था? साहब वो हेड कैशियर प्रमोद चौधरी। मैं तुम्हें बैंक की सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए। ऐसा क्यों मारा? बहुत मुंह खोल रहा था साहब, बोलता था कि मैं बैंक की सारी डिटेल्स दूंगा तो मुझे हिस्सा बड़ा चाहिए। अब मैंने तभी प्लान बना लिया था कि लूट के दौरान इसका गेम बजा डालूंगा, झंझट ही खत्म कर दिया साला, और हिस्सा भी बच गया। गार्ड भोला सिंह वो भी शामिल था? नहीं साहब, वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, उसको तो ये नए लड़के नितेश और ललित ने उठाया था साहब। नितेश भी शामिल था? नितेश शामिल था मेरे प्लान में, क्या है ना साहब उसको लंग कैंसर है, तो उसने सोचा कि जाते जाते फैमिली की सेफ्टी के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेगा, इसलिए उसको प्लान में शामिल किया। साहब वो ऐसा ही राकेश का सपोर्ट था ना उसको। ऐसा ही राकेश भी शामिल था? हाँ साहब, साहब उसका भी प्लान था देश छोड़ के भागने का, लेकिन जैसे ही पता चला कि आप लोग उसके पीछे हो तो मुझे उसको भी मरवाना पड़ा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था साहब, गार्ड को मारने के बाद पिकअप ट्रक में पैसा ट्रांसफर किया और नितेश पुलिस को मिसलीड करने के लिए मार्केट की तरफ गया, तो पैसों की गड्डी सारी मेरे पास आ गई। मैंने प्रॉमिस किया था नितेश से कि उसकी कुर्बानी के बदले उसकी फैमिली को पैसों का काफ़ी हिस्सा दिया जाएगा। पर तू ये भूल गया, कोई भी मुजरिम कितना भी उड़ ले, कितनी भी दूर भाग ले, रेस का आखिरी स्टॉप यहीं होता है, जेल की कोठरी। दुबई जाना था ना, तुझे भिजवाएंगे दुबई, तेरा वीज़ा हम लगवाएंगे। पहले ये बता, बबीता की बहन कहाँ है? हेलो, क्या बबीता उसी बिल्डिंग में? संजना जी को तुरंत बुला। बबीता को मैंने ही धमकी दी थी जिससे कि वो लौट आए और किसी से कुछ ना कहे। सुरेंद्र को किसने मारा? सर राकेश ने। और ये कैलाश, उसके साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर कैलाश से तो मुझे राकेश ने मिलवाया था, वो एक बच्ची ढूंढ रहा था, तो जब राकेश ने कैलाश को कविता के बारे में बताया तो उसने दुबई में उसका सौदा कर दिया, जिसके मुझे 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। सर पड़ोसियों ने फोन किया था, बच्चे के बारे में बताया। हमें बच्चे को बचाना है, नेट गद्दे बच्चे की सेफ्टी के लिए जो रिकॉर्ड अरेंज करो। संजना जी हमारे साथ आई। बबीता बच्चा नीचे आ जा, देखो ऐसा ही राकेश मारा गया और रेड्डी को भी सजा होगी, ये मेरा वादा है। बहुत सारे लोग थे, आप किस किस को सजा दिलवाएंगे? हर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलेगी। मुझे आप पे यकीन नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो उन दरिंदों की हिम्मत और बढ़ जाएगी और वो बाकी बच्चियों के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किए, फिर आपकी जगह कोई और लड़की खड़ी होगी सुसाइड करने के लिए,
क्या चाहती हो? अपनी छोटी बहन कविता के बारे में सोचो, उसका क्या होगा? आपको आपकी बहन की कसम, नीचे आ जाओ प्लीज। आई कहती थी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने किसी ना किसी रूप में आते हैं। नितेश ऐसा ही राकेश के लिए काम करता था। अरे लड़की, अभी तक आदत नहीं पड़ी ना तुझे? हाँ, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस वो राक्षस जिसे भगवान भी डरता है, समझी? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आपने जब नितेश को पकड़ा तो मुझे लगा कि आप मेरे भगवान हो जो मेरी मदद करने के लिए आए हैं। आप मेरी बहन को बचा लीजिए बस। कविता हमें मिल गई बच्चा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो यहाँ पहुंचने वाली है। बेटा भी फोन आया था, वो ठीक है। सबने मुझसे झूठ बोला, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। मैं हार चुकी हूँ। मैं जब भी घर से भागने की कोशिश करती तो मौसी मुझे कविता को बेच देने की धमकी देती। मेरा दो बार अबॉर्शन भी हुआ है, मैंने एक बच्चे को जना भी है। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि कविता घर में नहीं थी। मैं समझ गई कि मैं जिंदगी भर उसको बचा नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं खुदकुशी करके जिंदगी के इस दर्द से आजाद होना चाहती थी। आप प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए बस। यकीन दिलाता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। और आपकी आई ने कहा था ना कि हर राक्षस का एक दिन। मेरी आई की मदद किसने की? मेरी आई को तो खुद मेरे बाबा ने मारा। माँ! आई के मरने के बाद हम दोनों बहनें बेसहारा हो गई थीं। बाबा हमेशा नशे में पड़े रहते थे। एक बार बाबा अपने घर अपने दोस्त मोहन चाचा को लेकर के आए। बेटा तुम्हारी बहन को हमने बचा लिया है, कविता बिल्कुल ठीक ठाक है, वो यहाँ पहुंची ही होगी। सर हमने रिमझिम को पकड़ लिया और कविता सही सलामत है। और देखो तुम्हारी माँ सही कहती थी कि राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसको उसके किए की सजा मिलती है। और तुम्हारे साथ जितने भी गलत किया उसको सजा मिल गई बेटा। अब नीचे आ जाओ। देखो अब तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, भरोसा करो। बेटा मैं भगवान तो नहीं हूँ पर इतना भरोसा दिलाता हूँ अब जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आ जाओ बेटा एक नई जिंदगी शुरू करो। आ जाओ कमा मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ बच्चा, आ जाओ, भरोसा करो। कविता के बयान के आधार पर पुलिस ने कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 3 IAS ऑफिसर्स थे और 2 डॉक्टर्स। छोटी सी उम्र में बबीता ने इंसानियत का बेहद घिनौना रूप देखा था। उसके मन पर इस बात का गहरा असर हुआ था। अपने इस दर्दनाक अतीत से उबरने के लिए फिलहाल बबीता को काउंसलिंग दी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस भयानक अतीत को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को एक नई राह दे पाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।